सो गाइज, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अभी हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 232 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया है इंडिया में। तो क्यों बैन किया है? क्योंकि वो एप्लीकेशंस जो है फ्रॉड करें लोगों के पैसे के साथ में और लोगों के साथ में। कुछ एप्लीकेशन जो है लोगों को मेंटली हरेस भी कर दे, जैसे कि लोन एप्लीकेशन है और कुछ जो है बैटिंग एप्लीकेशन। तो ये कैसे फ्रॉड कर रही है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले इस चीज के रिगार्डिंग, तो हमारे इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपडेट वर्ल्ड, हमारे चैनल अपडेट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दूं कि जो अभी जो टोटल एप्लीकेशंस जो बैन हुई है इंडिया में वो है 232, जिसमें से कि 138 एप्लीकेशंस जो है बैटिंग एप्लीकेशंस है एंड 94 एप्लीकेशन जो है वो लोन लैंडिंग एप्लीकेशंस है। मतलब वो आपको क्विक लोन जो है प्रोवाइड करवा देती है। मतलब आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको जो है 5-7 हज़ार या 10 हज़ार रुपये तक वो आपको जो है लोन दे देंगे। बड़े एप्लीकेशन फ्रॉड कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ कि ये जो बैटिंग एप्लीकेशन है ये कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इस बैटिंग एप्लीकेशन को जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर जो है इसे प्रमोट कर देते हैं। जब भी इसे प्रमोट करते हैं तो लोग जो है इसमें जाके इसे डाउनलोड कर लेते हैं, बताते हैं कि आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बैट करके जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली होता है कि स्टार्ट में आपसे जो है इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट करवाया जाएगा, या फिर वो इन्वेस्टमेंट 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो या फिर 200 रुपये का हो, आपको उन एप्लीकेशन के अंदर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए या फिर बेट लगाने के लिए। तो जब भी आप ऐसा करते हो तो आप जो है फर्स्ट टाइम में आप जरूर विनर बनेंगे। जैसे आपने 50 रुपये लगाए तो आप 80 रुपये 100 रुपये एक बार जरूर जीत सकते हैं, या फिर जो 40 रुपये ऐसा अगर कुछ आपको अमाउंट ही जरूर जितवाएंगे ताकि आपको लगे कि हाँ आप जीत के यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे आपकी अर्निंग को घटाने लगते हैं और आपको बीच बीच में एक आध मैच जितवा देंगे ताकि आपको लगे कि आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा जीत सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप और भी ज़्यादा इसमें अमाउंट को अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें जब भी आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आप लास्ट में देखेंगे कि आपके पास जो है पैसा उतना बचा ही नहीं जितना आप सोच रहे थे कि इससे आप विन करके जो है मतलब विड्रॉ कर लेंगे। उल्टा आपको इसकी लत लग जाएगी और आपको इसमें जो है इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है एप्लीकेशन जो है वो लोन लैंडिंग एप्लीकेशन, इसमें कैसे फ्रॉड होता है, तो इसमें बेसिकली आपको 5-10 मिनट के अंदर ऑनलाइन आपसे आधार कार्ड वगैरह लेके कुछ OTP वगैरह लेंगे, आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस तरीके से फिर आपको जो है 5 से 10 हज़ार रुपये का ये है लोन जो आपको दे देंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये आपके मोबाइल के अपने एप्लीकेशन के थ्रू आपके सारी परमिशंस को ले लेते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त के फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उसने जो है 8 हज़ार रुपये समथिंग जो है एक ऐसी एप्लीकेशन से लोन लिया था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि उस एप्लीकेशन के जो है उसने इंटरेस्ट के साथ में जो है पैसा लौटा दिया। स्टार्टिंग में जब आप लोन लेते हैं तो इसमें जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.03 ऐसा कुछ दिखाते हैं, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है। बट इनकी पॉलिसीज में जाके लिखा होता है कि इन्होंने कितना और आपसे इंटरेस्ट लेना है। तो मेरे दोस्त उन्होंने जो भी दोस्त ने लिया था लोन, उन्होंने 8,000 रुपीज़ के बदले में यहाँ तक कि जो है 20,000 रुपये तक यहाँ पे कंपनी को पे कर दिए इंटरेस्ट के साथ में। फिर भी कंपनी जो है उन्हें कॉल करती थी कि आप जो है अभी भी आपका बैलेंस जो यहाँ पर रिमेनिंग है तो आप अपना लोन का इंटरेस्ट जो है अभी चुकाइए। तो हुआ क्या था कि वो इंसान जो इतना मेंटली हैरेस हो गया था कि उसने अपना घर छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए। वो बहुत डर चुका था एंड फिर उसके बाद वो अब जो अपने घर पे आ चुका है। बट इस तरीके से लोग मतलब एप्लीकेशन जो है फ्रॉड करती हैं। अगर आपसे 8 हज़ार रुपये आपने कंपनी से लिया है तो उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के आपको 10-12 हज़ार रुपये तक दे देना चाहिए। बट 20 हज़ार रुपये देने के बाद भी अगर आपका पीछा वहाँ से ना छूटे, इसी को फ्रॉड कहा जाता है। और बेसिकली जो एप्लीकेशन है सारी, इनको इंडियन गवर्नमेंट बैन क्यों कर रही है, बिकॉज इसलिए करें क्योंकि ये चाइनीज एप्लीकेशन, और चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया के यूजर्स के सारे इन्फॉर्मेशन को अपने पास लेके और किसी भी कंट्री में सेंड कर सकते हैं और किसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूजर्स के लिए और कंट्री के लिए भी नुकसानदायक चीज़ें हो सकती हैं। इसी से जो है फ्रॉड ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन एप्लीकेशन को इसीलिए बैन करा है ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो और किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है कोई भी मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।